जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बिना विलंब किए हुए बात करेंगे अप्रैल का महीना कैसे व्यतीत होगा, हमारे मेष राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली हैं, कैसा व्यतीत होने वाला है जो पूरा मंथ का एक एक दिन है, सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका ग्रह गोचर आखिर अप्रैल मंथ में किस प्रकार का रहने वाला है। अप्रैल में आपके जो प्लैनेट होंगे वो आपकी राशि स्वामी मंगल का जो संचार होगा वो आपके एकादश भाव के अंतर्गत रहने वाले हैं अप्रैल में पूरे महीने। और उसके साथ अगर बृहस्पति को देखा जाए तो वो भी आपके एकादश भाव में रहेंगे, शुक्र आपके एकादश भाव में रहेंगे, लेकिन बुध 6 तारीख तक और सूर्य 14 तारीख तक आपके गोचर करेंगे द्वादश भाव के अंतर्गत। केतु का जो गोचर होगा वो आपके अष्टम भाव में रहेगा, राहु का जो गोचर होगा वो स्टार्टिंग तक, क्योंकि अप्रैल में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप लोग जानते हैं अप्रैल में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इवन अगर देखा जाए तो राहु चेंज होने जा रहे हैं अप्रैल में, केतु चेंज होने जा रहे हैं अप्रैल में, और उसके साथ बाकी जो ग्रह हैं करीब करीब राहु केतु दोनों प्लैनेट चेंज होने ही जा रहे हैं, बृहस्पति भी अप्रैल में चेंज होने जा रहे हैं। तो इनका प्रभाव आपके जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार का परिवर्तन लेकर के निश्चित रूप से आने वाला है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए क्या गुजरने वाली हैं और क्या कंडीशन होने वाली है। तो अगर हम बात करें मेष राशि को लेकर के, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो अप्रैल का महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ आपका अप्रैल में निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्रोध में अधिकता रहेगी। राशि स्वामी के एकादश भाव में गोचर करने के कारण हेल्थ की परिस्थिति अच्छी होने के बाद भी लग्न के दोनों तरफ का पाप कर्तारी योग होने के कारण, सूर्य 12th हाउस में रहेंगे 14 तारीख तक और सेकंड हाउस में जाकर के राहु गोचर करेंगे, तो एक बंधा बंधा सा जीवन में अगर देखा जाए तो एक खुलकर के जो जिंदगी जीनी चाहिए, जो प्रसन्नता पूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए, उस चीज की कमी कहीं ना कहीं आपको लाइफ में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। उसके साथ प्रेम संबंध बनने का पूरा योग बन रहा है, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन आपका आकर्षण निश्चित रूप से होगा, तो प्रेम संबंध जो बिल्डअप होने का संयोग है वो निश्चित रूप से होगा। लेकिन उसके साथ ही कहना चाहूंगा पंचम भाव के स्वामी क्योंकि द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो एजुकेशन से संबंधित, अगर अपनी कंट्री में एजुकेशन संबंधित कुछ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित या आपने विदेश में पढ़ाई के लिए कोई एडमिशन वगैरह कराने के लिए प्रयास किया है तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ इसमें दिख रहा है। हां, बुध का द्वादश भाव में जाकर के गोचर करना आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके आत्मविश्वास को झकझोरने वाला, आत्मविश्वास को कम करने वाला बनने वाला है। यह परिस्थिति आपके साथ रहती हुई दिख रही है। 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य अपनी राशि के अंतर्गत गोचर करने आ जाएंगे, मेष राशि में गोचर करने आ जाएंगे, आप समझ लीजिए आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की जो वृद्धि है वो होती हुई आपकी दिख रही है। साथ में किसी का आपके प्रति प्रेम का इजहार, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो सामने से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और प्यार का इजहार होगा। साथ में विवाह को लेकर के अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वहां पर भी एक अच्छा संयोग प्राप्त होगा और प्रेम विवाह का भी बेहतरीन योग आपके साथ बनेगा। इस माह अगर भाग्य को लेकर के देखा जाए तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। साथ ही अगर विदेश यात्रा को लेकर के देखा जाए, किया गया प्रयास आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। हां, सरकारी क्षेत्र में अगर कोई कार्य है तो उसको लेकर के सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र में जो कार्य है वो आपके खराब होते हुए दिख रहे हैं तो वहां पर अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उसको ध्यान से करेंगे। भाई बहनों से संबंध इस महीने आपके खराब होंगे। अगर कोई पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के मामला है तो इस महीने उस पर बहुत डिस्कशन करना बेहतर नहीं है। अगर उससे रिलेटेड मामले हैं, डिस्कशन करना पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको गाय को रोटी खिला करके, जिस दिन भी आपको डिस्कशन के लिए जाना है उस दिन गाय को रोटी खिला करके तब जाएं। परमात्मा के आशीर्वाद से आपके कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप फॉलो करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि सभी तक ये लाभ पहुंच पाए। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।